नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली पाकिस्तान सुपर लीग के छठे सीजन के बचे हुए मैचों का आयोजन इस समय यूएई के अबू धाबी में किया जा रहा है, जहां पर शनिवार को मैच के दौरान एक बड़ा हादसा देखने को मिला। पीएसएल के इस सीजन में क्रिएटर ग्रेटियर की ओर से खेल रहे साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसी मैच के दौरान बुरी तरह चोटिल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। आबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में पेशावर जालमी और क्वेटा क्लेटियर्स के बीच मैच खेला जा रहा था, जहां एक कैच पकड़ने के चक्कर में डुप्लेसी की टक्कर मोहम्मद हसनैन से हुई और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। बता दें, डुप्लेसी की चोट ने दुनिया भर के फैंस को सकते में डाल दिया था, तो वहीं पर उनकी पत्नी इमारी की जान भी अटकी हुई थी। फाफ डुप्लेसी की वाइफ इमारी ने उनके चोटिल होने की फोटो शेयर करते हुए एक भावुक पोस्ट लिखा, जिसमें खबर सुनने के बाद की अपनी हालत का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा, ये खबर देखने के बाद मेरी जान जा रही है और मुझे उम्मीद है कि उनको चेकअप के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया होगा। गौरतलब है कि पीएसएल के दौरान हुई ये डरावनी घटना उस वक्त हुई जब पेशावर जालमी की टीम बल्लेबाजी कर रही थी। पेशावर जालमी की टीम ने 2 विकेट खोकर 26 रन बना लिए थे, जबकि ग्लेटियर्स की टीम अपना 7वां ओवर फेंक रही थी। पेशावर जालमी के लिए उसके बल्लेबाज डेविड मिलर ने शॉट लगाने की कोशिश की, जिसे बाउंड्री लाइन पर कैच पकड़ने के चक्कर में डुप्लेसी और मोहम्मद हसनैन के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। इस भिड़ंत में डुप्लेसी के सिर हसनैन के पैर से टकरा गए, जिसके बाद उन्हें कंकशन के चलते मैदान से बाहर जाना पड़ा। मैच के बाद डुप्लेसी को स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें, डुप्लेसी ने इसी साल क्वेटा क्लेटियर्स को साइन किया है। हालांकि टीम ने 2 दिन में अपने 2 स्टार खिलाड़ियों को खोने का काम किया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी फाफ डुप्लेसी पाकिस्तान सुपर लीग के मैच के दौरान घायल हो गए थे और अब उनकी पत्नी ने ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए एक प्रणाली बनाने की मांग की है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।